हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिंगर स्टाइल गिटार में हम सीखेंगे माई तेरी चुनरिया लहराई। तो ये गाना हम बजा रहे हैं जी मेजर स्केल पर और मेरा गिटार डी शार्प नोट से ट्यून है, मतलब हाफ नोट डाउन है। ई स्टैंडर्ड ट्यूनिंग होती है और डी शार्प हाफ डाउन होता है, तो मैंने अपना गिटार हाफ नोट डाउन किया है। तो आप भी अगर मेरे साथ बजाना चाहते हो तो अपना गिटार हाफ नोट डाउन कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट स्ट्रिंग को डी शार्प के अकॉर्डिंग हमें पूरा ट्यून करना है। तो ये तो हो गई ट्यूनिंग। अब हम बात करते हैं गाने की नोटेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूं कि ये गाना लोअर ऑक्टेव के पास से लेकर के अपर ऑक्टेव के गा के बीच में बजेगा। तो नोटेशन कुछ ऐसे हैं इसकी कि जो फोर्थ स्ट्रिंग है ये है हमारा पा, यानी लोअर ऑक्टेव का पा हम प्ले कर रहे हैं फोर्थ स्ट्रिंग पर। धा बज रहा है फोर्थ स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर, मी बज रहा है फोर्थ स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर, और धा और मी दोनों ही नोट्स कोमल हैं। उसके बाद हमारा जो सा बज रहा है ये ओपन स्ट्रिंग बज रही है जी, थर्ड स्ट्रिंग ओपन हो गया सा। रे बज रहा है थर्ड स्ट्रिंग के सेकंड फ्रेट पर, गा बज रहा है स्ट्रिंग ओपन, और गा यहां पर भी हम बजा सकते हैं, यानी थर्ड स्ट्रिंग के फोर्थ फ्रेट पर भी हम गा बजा सकते हैं। यहां पर रखी फिंगर हमने सेकंड स्ट्रिंग के फर्स्ट फ्रेट पर हमने बजाया मा, जिसमें हम सी मेजर कॉर्ड का सपोर्ट ले सकते हैं। मा के बाद आया हमारा पा, जिसमें हम जी मेजर कॉर्ड का सपोर्ट ले सकते हैं। सेकेंड स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पर हमें इसको बजाना है, ये हो गया पा। पा के बाद धा कोमल बज रहा है और वो बज रहा है फोर्थ फ्रेट पर सेकेंड स्ट्रिंग के, यानी ये हो गया कोमल धा, जो कि हम यहाँ पे भी बजा सकते हैं कोमल धा। और कोमल धा के बाद ये हमारा बज रहा है कोमल नी, तो कोमल नी है हमारा सिक्स नंबर फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग पर कोमल नी। और उसके बाद ये है हमारा सा, यानी इसको हम कह सकते हैं ये एट्थ फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग है, और हमारा सा यहाँ पर भी बज रहा है, ये जी मेजर कॉर्ड के साथ हम इसको ऐसे ले सकते हैं, ये हो जाएगा सा। तो अब ये देखते हैं कि गाने की नोटेशंस क्या हैं। सारे गारे मामा गारे सा, ये गारे सा जल्दी बजाए, सारे गारे मामा गारे सा सादा गामा, जैसे ही मा लेंगे हम सी मेजर कॉर्ड लगा देंगे। फिर से सारे गारे मामा गारे सा सादा गामा, गामा मामा गारे मा गारे सा 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 नी हा नी हा पा, गामा मामा गारे मा गारे सा 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 नी धा नी धा पा। अब जब हमने नी धा पा लिया तो हमने फोर्थ स्ट्रिंग पर नी धा पा बजाया है, बट ये दोनों फिंगर्स से हम डबल डबल स्ट्रिंग बजाएंगे, यानी फोर्थ और फिफ्थ दोनों एक साथ रखेंगे, नी धा नी धा पा, ये कुछ ऐसे आएगा नी धा नी धा पा। फिर से देखते हैं सारे गारे मामा गारे सा सादा गामा, मापे सी मेजर, गापा मापा गारे मा गारे सा 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 नी धा नी धा पा। हम जब भी थर्ड स्ट्रिंग को प्ले कर रहे हैं, कोई भी नोट यहाँ प्ले कर रहे हैं, तो फोर्थ स्ट्रिंग हमारे साथ में प्ले हो रही है, यानी ऐसे प्ले हो रही है जैसे हमने बजाया सारे गारे मामा गारे सा, तो इसमें फोर्थ स्ट्रिंग साथ में हम प्ले कर रहे हैं। पर सी ले लिया, ये हो गई फर्स्ट लाइन। अब सेकेंड लाइन, गा गा रे मामा गा रे सा सा गा गा मा, गा पा मा पा गा रे मा गा रे सा 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 सा, सेकेंड टाइम सा 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 पे ही रुक जाएगा। फिर से देखिएगा गा गा रे मामा गा रे सा सा गा गा मा, गा पा मा पा गा रे मा गा रे सा सा। उसके बाद पा 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 गा रे गा मा 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 पा धा, जब धा ले रहे हैं तो हम सी माइनर कॉर्ड भी ले सकते हैं, डी शार्प मेजर कॉर्ड भी ले सकते हैं, दोनों ही कॉर्ड सही आएंगे। पा 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 गा रे गा मा 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 पा धा, नी 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 मा नी धा नी धा पा पा धा पा पा धा पा पा। जब ये सारे नोट्स बजा रहे हैं तो जिस भी स्ट्रिंग पर हम बजा रहे हैं उसके साथ वाली स्ट्रिंग को हम पीछे वाली स्ट्रिंग को साथ में हिट कर रहे हैं, जैसे फिर यहां तक हमने सा तक खींच दिया, यहां तक
हमने खींच लिया तो नोटेशन क्या हुई, सा 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 नी धा पा नी 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 धा नी आ धा धा पा मा नी नी धा नी पा धा धा पा मा गा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 नी धा नी धा पा गा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 नी धा नी धा पा। तो ये गाने का मुखड़ा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अंतरे की। अंतरे में हमने जी मेजर कॉर्ड पकड़ लिया और यहाँ से लिया सा 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 रे गा गा रे सा धा। जैसे ही धा आया हमने सी माइनर कॉर्ड लगा दिया। फिर से सा 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 रे गा गा रे सा धा। उसके बाद ये शुद्ध नी बजेगा, अभी तक हम कोमल नी बजा रहे थे नी नी मा धा पा पा पा। तो जब नी बजाया नी 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 मा धा पा पा पा। फिर से देखते हैं सा 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 रे गा गा रे सा धा नी नी मा धा पा पा पा। नी हम यहाँ पे भी ले सकते हैं नी नी मा धा पा पा पा। ये लाइन दो बार बजेगी, उसके बाद पा धा सा पा नी धा पा धा सा। जब सा हम यहाँ पर खींच देंगे थर्ड स्ट्रिंग को सेकंड के साथ में प्ले करेंगे ऐसे पा धा सा पा नी धा। धा पे सी माइनर कॉर्ड ले सकते हैं नी 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 पा पा मा धा पा पा। जब हम नी नी प्ले कर रहे हैं तो ये कोमल नहीं है, तो इसके साथ हम ये वाला नोट दोनों ये दबा लेंगे जिससे एक एफ मेजर वाली फीलिंग आ जाए नी 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 पा पा मा धा पा पा। उसके बाद फिर से आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा आगे भी गया ऐसे यानी पा धा सा नी धा रे सा पा नी धा सी माइनर। फिर वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा गा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 गा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 नी धा नी धा पा। तो ये हो गई गाने की नोटेशंस कंप्लीट। अब क्या करना है, इसमें हमें एक स्ट्रमिंग पैटर्न ऐड करना है। तो ये जो स्ट्रमिंग पैटर्न चल रहा है ये हम कह सकते हैं कि सिक्स काउंट की फैमिली का एक फैशन है। सिक्स काउंट में हम जैसे खेमटा पहले बजा चुके हैं, मैंने लेसन दिया हुआ है, आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा उसमें। बट ये एग्जैक्टली खेमटा नहीं है, खेमटा फैमिली की ही एक बीट है जो कि छह मात्रा में बजाई जा रही है। तो वो कुछ ऐसे बज रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,
दोनों तरीके से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये स्ट्रमिंग पैटर्न हमें इसमें ऐड करना है। अब ये स्ट्रमिंग पैटर्न एक बार हम देख लेते हैं। स्लैप अप स्लैप अप, बस चार ही स्ट्रोक्स हैं। स्लैप अप स्लैप अप, स्लैप अप स्लैप अप, इसको हम म्यूट कर लेते हैं। स्लैप अप स्लैप अप, यानी 4 स्ट्रोक हैं जो कि 6 काउंट में हमें एडजस्ट करने हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और स्ट्रोक्स कैसे आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 क्या है, स्लैप है 1। 2 क्या है, अप फिर स्लैप फिर अप, यानी स्लैप अप स्लैप अप, स्लैप अप स्लैप अप, स्लैप अप स्लैप अप, स्लैप अप स्लैप अप, स्लैप अप स्लैप अप। अब इसको हमने जी मेजर पे रख दिया। ये लेसन आपको समझ में आया होगा, और अगर ये लेसन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिएगा, और प्लीज इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिए। तो ऐसे ही और लेसन जानने के लिए आप सब्सक्राइब करिए सुपर वोकल, और मिलते हैं हम नए लेसन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।